ये मुख्य विपक्षी दल किस बात से तय हो रहा है? क्या इस बात से तय हो रहा है कि रैलियों में कितनी भीड़ जुट रही है, जिसका हवाला अभी नावेद सिद्दीकी दे रहे थे? ये क्या क्या या ये कैसे तय हो रहा है? ये फाइट किनके बीच में है, ये कैसे तय मानकर चला जाता है अपराजिता सारंगी जी? और क्या इसीलिए इस टोपी का हवाला दिया जा रहा है? मुख्य कंटेंडर कौन है? देखिए, ऐसा है कि हम खुद से प्रतियोगिता करते हैं, हम नहीं समझते कि हमारा कोई भी प्रतियोगी है। हम पहले से बेहतर करें, इसी पर हम केंद्रित रहते हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी को 47 सीट आए थे, 2017 की बात मैं कर रही हूँ, और हम सब 312 पर थे। उसके पहले समाजवादी पार्टी 224 पर थी, वहाँ से खिसक कर 47 पर आई। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, निश्चित तौर पर 47 से भी अगर कम आए तो मुझे लगता है कि हमें अविश्वास नहीं होगा। लेकिन देखिए, ऐसी बात है कि समझदार को इशारा काफी है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी कही तो मुझे लगता है पूरा देश समझ गया किनकी तरफ उनका इशारा था। और मैं आपको कह दूं कि कल मैं एक टीवी चैनल में बैठी थी और अभी कहा गया, उस बात को मैं दोहराना चाहूंगी। एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने, सिटिंग एमएलए ने, जिस तरह से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ बर्ताव किया, मुझे लगता है ये अशांति और अराजकता गुंडागर्दी का सबसे बड़ा नमूना था। एक दूसरी बात मैं कह दूं, 2017 के पहले, मुझे 30 सेकंड की मोहलत दें, 2017 के पहले आप याद रखें, मुजफ्फरनगर का कुख्यात एंटी हिंदू राइट हुआ था और वह सरकार द्वारा प्रायोजित और संरक्षित था। इसे हम सबको मानना पड़ेगा, हम नजरअंदाज इस बात को नहीं कर सकते हैं। और देखिए, मुफ्तार अंसारी जैसा माफिया, जिसे अपनी पार्टी में लेने के लिए कतार लगी रहती थी, अब उसकी सल्तनत मिट्टी में मिल चुकी है। तो कितने उदाहरण मैं दूं किस तरह की अशांति, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, अपराजिता जी, अराजकता थी कि वो किस तरह का लाल रंग था। मुझे लगता है हम सब वाकिफ हैं। ठीक है अपराजिता जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं और इसका जवाब मैं लौट के आने के बाद आपसे लूंगा कि जिसकी खुद से प्रतियोगिता होती है वो तो अपने किए हुए काम गिनाता है और आगे क्या योजनाएं हैं ये बताता है, उसको टोपी का के बारे में बात क्यों करनी पड़ती है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान निजामी, ये जो राजनीतिक विमर्श चल रहा है ये क्यों है और इसके मायने क्या है, जरा समझाइए जल्दी से आपके आपके मुताबिक। देखिए, बात यह है कि कभी टोपी पे राजनीति होती है, कभी कब्रिस्तान या शमशान पे राजनीति होती है, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं, यूपी में जो लाशें तैर रही थी कोविड के टाइम पे, कितने लोग अभी भी जो है अभी भी कोविड से लड़ रहे हैं, कोई कंपनसेशन नहीं मिला उनको, कोई भी माइग्रेंट वर्कर जो पैदल चल रहे थे उनके पाओं पे छाले पड़ गए घर पहुंचते, सरकार की तरफ से कोई भी उनको मदद नहीं दी गई। युवा हमारे सड़कों पे है, आंदोलन करते हैं कि हमें रोजगार दीजिए, कोई बात उस पर नहीं हो रही है। तेल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी है, अभी टमाटर की कीमतें कितनी बढ़ चुकी है, गरीब जो है आत्महत्या करने में मजबूर है, किसान को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी जो है धरने पे बैठा है। तो ये मुद्दे हैं, इन पे बात करनी चाहिए। और जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, पाकिस्तान हर रोज कश्मीर में आतंकवादी हमले करवा रहा है, चाइना पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए सरकार को, ना कि किसी की टोपी पे, कभी ना मंदिर मस्जिद। ये जो है अब ये पुराना मुझे लगता है कि एक टूल बन चुका है देश के प्रधानमंत्री को, जो देश में आपने काम किया, इतने सालों में आपने काम किया वो बताइए, अपना जो है पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाइए जनता के सामने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।